बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण सनस्क्रीन जो है वो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो काफी हद तक आपकी स्किन को डैमेज कर देती है। सूरज की रोशनी की वजह से आपकी स्किन में अनइवननेस, स्किन बर्न, टैनिंग, रिंकल्स, ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन जो है वो काफी ज्यादा सहायता देती है। अगर आप रेगुलरली सनस्क्रीन को लगाने की रूटीन सेट कर लेंगे ना, तो आपको 1-1.5 महीने बाद काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ बन जाएगी, आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइट हो जाएगा, स्किन काफी ज्यादा ग्लोई दिखने, प्लस आपकी स्किन जो है वो हेल्दी दिखने लग जाएगी। इसलिए सनस्क्रीन को अपनी रूटीन में रेगुलरली आपको लगाना चाहिए। किसी भी सनस्क्रीन का मेन पार्ट उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब उनके फिल्टर्स होते हैं। अब फिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर वो होते हैं जो हमें UVA और UVB रे से प्रोटेक्ट करते हैं। मेनली जो फिल्टर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। UVA रेज जो होती हैं वो हमारी स्किन को एज करती है, मतलब रिंकल्स, फाइन लाइंस, ब्लेमिशेस, ये सभी जो है UVA रेज की वजह से होता है। और UVB रेज में सनबर्न, पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये सभी UVB रेज की वजह से होता है। ठीक है, सनस्क्रीन जो है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है उनमें आपने देखा होगा जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सन रेज को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ जो केमिकल सनस्क्रीन होती है उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो जैसे होते हैं एवोबेंजोन, ऑक्टीबेंजोन, ऐसे इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऐसे फिल्टर्स उनमें यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले तो सन रेज को अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन उन्हें हीट के फॉर्म में ट्रांसफर करके उन्हें एमिट कर देते हैं। फिजिकल वाले वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो डायरेक्ट उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। जो केमिकल वाले हैं वो उसे एब्जॉर्ब करके उन्हें हीट में ट्रांसफर करके उन्हें एमिट कर देते हैं। सो आज मैं जो सनस्क्रीन यूज करने वाली हूँ वो एक केमिकल सनस्क्रीन है, मतलब उसमें जो फिल्टर्स यूज किए गए हैं वो पहले सन रेज को अब्सॉर्ब करेंगे, देन उन्हें हीट में ट्रांसफर करके एमिट कर देंगे। सो आज मैं जो सनस्क्रीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शी ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+। ठीक है, इस सनस्क्रीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसका टेक्सचर कैसा है, इसमें कौन से फिल्टर्स यूज किए गए, मतलब कौन से इंग्रेडिएंट्स है इसमें, ठीक है, प्लस इसके क्या क्या बेनिफिट्स है आपके स्किन को। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइज, इस सनस्क्रीन में हमें SPF 50+ मिल जाता है, विद हेलियोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB मिल जाता है, ये BBB+ है। गाइज, हेलियोप्लेक्स होता क्या है? हेलियोप्लेक्स इज द टेक्नोलॉजी that provides superior broad spectrum UVA UVB protection that remains effective even under the harsh sun. ये सनस्क्रीन वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, रेजिस्टेंस रबॉव है, मतलब इसको आप लगा के आप स्विमिंग भी कर सकते हो। आपको अगर स्वेटिंग होती है तो आपको बारी बारी इसे रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका। लाइट वेट है, नॉन शाइनी फिनिश है, बिल्कुल भी शाइन नहीं देता आपके फेस में। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, लाइट फ्रेश सेंट है इसका। ठीक है, तो गाइस आपको ये 88 ml की ट्यूब मिलती है 675। अमेजोन और नाइका पे इसके डिस्काउंट जो है वो चलते रहते हैं, आप चेक करके बाय कीजिएगा। आपको ये सनस्क्रीन छोटे से ट्रेवल फ्रेंडली पैक में भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसका साइज जो है वो 30 ml होता है, उसका प्राइस भी अराउंड 230 के अराउंड है, आप चेक कर लेना एक बार। ये सनस्क्रीन वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, रेजिस्टेंस रबॉव है, लाइट वेट है, नॉन शाइनी फिनिश है, बिल्कुल भी शाइन नहीं देता आपके फेस में। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।